के गांव में ओलावृष्टि के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते तापमान में गिरावट भी आई है। वहीं इस ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिन किसानों ने धान की कटाई अभी तक नहीं की थी, ओलावृष्टि के कारण उन्हें अच्छा खासा नुकसान हुआ है। वहीं जिन किसानों ने कुछ दिन पहले ही गेहूं की बिजाई की है, उन्हें भी दोबारा बिजाई का खर्च उठाना पड़ेगा। बता दें कि ओलावृष्टि के चलते गेहूं और सरसों की फसल को सीधे तौर पर नुकसान हुआ है, और तो और ओलावृष्टि के चलते सब्जियों पर भी असर पड़ने के आसार है। वहीं किसानों का कहना है कि ओलावृष्टि के कारण फसल खराब हो जाने से उत्पादन भी कम होगा, जिसका सीधा असर किसान की आय पर भी पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि प्रकृति की मार हमेशा किसानों पे क्यों पड़ती है। जब भी देखो प्रकृति की कोई भी विकराल रूप लेती है, चाहे वो बाढ़ हो चाहे आज ये ओलावृष्टि हो, हमेशा मार किसान पे ही पड़ती है। और इस ओलावृष्टि का ये परिणाम है कि जो सब्जियां की जो फसल थी उस पर नुकसान है, जो सरसों की जो फसल है उस पर नुकसान है, और जो गेहूं की जो अभी जिन भाइयों ने एक हफ्ता पहले बीजी है या 5-7 दिन 10 दिन पहले बीजी है, तो उनमें नुकसान है। नुकसान ये बहुत है भाई, जी कणक बिजाई हुई थी वो खुड भर के सारे वो थले हो गया, जी जी जीरी हो रही थी बड़ी पई है मंडिया चो रोल लग रही है, वह गिली हो गई, वो मतलब बेकार हो जूगी। हूँ जी हले बीजन वाली पई है, जीरी खड़ी भी है हले बिच, किसानों की बहुत नुकसान बहुत ज्यादा है।